brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. तो बीजेपी ने भजनलाल परिवार की सियासत को हाशिए पर डाल दिया है। ना ही कुलदीप बिश्नोई को टिकट मिली और ना ही भव्य बिश्नोई को मंत्री बनाया गया। क्या बीजेपी को कुलदीप बिश्नोई को इग्नोर करने का खामियाजा झेलना पड़ सकता है? जी हां, राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनाने में, बिश्नोई बाहुल्य सीटों पर जीत दिलाने में कुलदीप बिश्नोई का अहम रोल रहा। माना जा रहा था कि राजस्थान चुनाव के रिजल्ट को देखते हुए कुलदीप बिश्नोई को बीजेपी बंपर फायदा देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। साल 1968 से लेकर साल 2023 तक, यानी पूरे 56 साल तक भजनलाल परिवार हरियाणा के सियासत में टॉक टाइम में रहा। साल 1968 में चौधरी भजनलाल पहली बार विधायक बने थे और चौधरी भजनलाल के चलते सियासी गलियारों में इस कुनबे की चर्चा होती रही। लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में भजनलाल परिवार को बीजेपी ने हाशिए पर डाल दिया है। इस बार भजनलाल परिवार के सदस्य दूसरे कैंडिडेट्स के लिए वोट मांगते दिखेंगे या फिर घर बैठे दिखेंगे। इस बार परिवार के किसी भी मेंबर को टिकट नहीं मिली है। कह सकते हैं कि इस बाबत बिश्नोई वोटर बीजेपी से नाराज है। बीजेपी से सिरसा और हिसार लोकसभा सीट से बिश्नोई वोटरों के छिटकने के आसार नजर आ रहे हैं। माना जा रहा था कि कुलदीप बिश्नोई को हिसार से टिकट मिल सकता है, लेकिन रणजीत चौटाला को टिकट मिली। कुलदीप बिश्नोई रणजीत चौटाला के चुनाव प्रचार से दूर होकर गाहे बगाहे अपना गुस्सा भी जाहिर कर रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई के सहारे के बिना बीजेपी सिरसा, हिसार और भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से मुसीबत में फंस सकती है। कुलदीप बिश्नोई अगर बीजेपी के साथ नहीं आते हैं तो कह सकते हैं कि बीजेपी इन तीनों सीटों पर चुनावी फाइट में पिछड़ सकती है। कुलदीप बिश्नोई की नाराजगी के बाद अब कांग्रेस के पास हिसार सीट को जीतने का गोल्डन चांस दिख रहा है। कांग्रेस कुलदीप बिश्नोई की नाराजगी को देखते हुए उनके भाई चंद्रमोहन बिश्नोई को हिसार से टिकट दे सकती है। हालांकि अभी कांग्रेस ने कोई उम्मीदवार घोषित नहीं किया है और यहां से बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे सांसद बृजेंद्र सिंह को टिकट मिलने के ज्यादा आसार जताए जा रहे हैं। लेकिन चंद्रमोहन बिश्नोई को टिकट मिलती है तो कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ती नजर आएंगी और कहीं ना कहीं चंद्रमोहन बिश्नोई यहां एक गोल्डन चांस कांग्रेस के हिस्से लाते नजर आ सकते हैं। अब देखना होगा सिरसा, हिसार और भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर बीजेपी को चुनावी फाइट में पिछड़ने का डर सताता है या नहीं, बीजेपी की ओर से कुलदीप बिश्नोई को मनाया जाता है या नहीं। आपका क्या सोचना, कमेंट बॉक्स में राय रखें। साथ ही चौगरदे की खबरों के लिए बने रहिए हरियाणा तक के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।